जब भी टीवी या किसी भी सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाते हैं तो इस दौरान अगर कोई सीन धूम्रपान का आता है तो आपको इससे बचने के लिए अवेयर किया जाता है। वहीं विज्ञापन में भी बताया जाता है कि स्मोकिंग सेहत के लिए कितनी हानिकारक है। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी आपको धूम्रपान ना करने की सलाह देते हैं, लेकिन वही आज आपको इन सेलिब्रिटीज में से उन एक्ट्रेसेस के बारे में बता रहे हैं जिन्हें आपने फिल्मों में तो स्मोकिंग करते देखा होगा, लेकिन इन्हें अपनी निजी जिंदगी में भी सिगरेट की बुरी लत है। फिल्म गैंगस्टर के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली अभिनेत्री कंगना रनौत इस फिल्म में भी सिगरेट पीते नजर आई थी। इसके बाद उन्हें लम्हे, फैशन, तनु एट्स मनु जैसी फिल्मों में स्मोकिंग करते देखा गया। लिहाजा कंगना अपनी पर्सनल लाइफ में भी इस लत की शिकार है। वे न सिर्फ स्मोकिंग करती है बल्कि ड्रिंक भी करती हैं। मिस यूनिवर्स रह चुकी सुष्मिता सेन अपने अच्छे कामों और मातृत्व के लिए कई महिलाओं की प्रेरणा स्रोत है, लेकिन चेन स्मोकिंग और शराब पीने की गंदी लत इन्हें भी है। बॉलीवुड की बेबो यानी करीना कपूर भी पर्सनल लाइफ में स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करती हैं। मनीषा कोइराला के बारे में तो आप सभी जानते हैं, जो अपनी इस लत की वजह से कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से जंग लड़ चुकी है। उनकी मैरिड लाइफ भी ड्रिंकिंग और स्मोकिंग की वजह से ही बेकार हुई है। रानी मुखर्जी को भी स्मोकिंग की गंदी लत है। रानी मुखर्जी स्मोकिंग को अपनी पाचन क्रिया में सहायक मानती हैं। लिपस्टिक अंडर माय बुर्का की एक्ट्रेस कोंकणा सेन शर्मा इस फिल्म में भी स्मोकिंग करती नजर आती है। लिहाजा वे रियल लाइफ में साल 2010 तक चेन स्मोकर थी, हालांकि इसके बाद में उन्होंने स्मोकिंग को छोड़ दिया। अमीषा पटेल भी अपनी इस लत की वजह से बेहद परेशान है। वे इन चीजों का ज्यादा मात्रा में सेवन करती है। शायद यही वजह है कि उनके दौर की एक्ट्रेस और एक्टर अब भी बतौर लीड काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।